वृक्षासन और ताड़ासन। ठीक है, तो एक बार वही रिपीट कर लेते हैं आज, फिर उसके बाद हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पहले आसन करते हैं और उसके बाद प्राणायाम। आसन आसन क्यों करते हैं? बेनिफिशियल फॉर आउटर पोस्चर जो होता है, आउटर बॉडी के लिए, और प्राणायाम बेनिफिशियल फॉर इनर बॉडी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल वाले पहले आसन कर लेते हैं, तब तक और लोग आते हैं। वृक्षासन स्टार्ट कर दो आप, मैं देखती हूँ कौन कैसे करता है। ठीक है, आप लोग करो अब। ये थाई पे रखो पैर, ऐसे नहीं रखना है। या तो थाई से यहाँ पे रखो या ऊपर रखो, नीज पे मत रखो इसको, नहीं आपके पैर में दर्द होगा। नीज पे मत रखो पैर को, या तो थाई पे रखो या फिर नीचे रखो। हाँ, नीचे रख लो, लेकिन कोशिश करो ऊपर रखने की। इसको यहाँ से मोड़ना नहीं है, इसको यहाँ पे सीधा इस पे रखो। हाँ ऐसे, और नीज पे नहीं आना चाहिए वजन इनका बिल्कुल भी, ठीक है, नहीं तो पेन होगा। आप भी नीज पे रखे हो, नीज से नीचे ऊपर रखो उसे, कोशिश करो धीरे धीरे, तभी तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। आपका भी पैर नीज पे है, नीज पे है। हमें बॉडी फ्लेक्सिबल बनानी है ना, तो धीरे धीरे कोशिश तभी करेंगे, तो धीरे धीरे बनेगा। कोई बात नहीं, अब जितनी कैपेसिटी हो उतनी देर खड़े रहना है, ज्यादा देर नहीं। ठीक, अब यही लेफ्ट साइड से करना है। वो तुलसी ऐसे नहीं करना है, इसको यहाँ पे रखना है पैर को, थाइस के ऊपर, नीज पे वजन नहीं जाए। हो जाएगा। बीस मिनट डेली प्रैक्टिस कर लो बस। ये नीज में मत करो पैर, बस एक बार कर लो, अब दूसरे पैर से कर लो। आराम से पैर को ऐसे करके लाना है यहाँ पे, बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे, और ऐसे धीरे धीरे करके ले जाना है। मतलब आप ये नहीं एकदम से रख लेना है, उस चीज को थोड़ा फील करो हाथों को, और धीरे धीरे ऐसे करके निकालना है, आराम आराम से, आराम आराम से। स्टार्टिंग में होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। आपका पैर नीज पे है, हाँ अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसको नीचे रख लो, लेकिन नीज पे मत रखो। आपका तो पैसा कहीं और ही जा रहा है। वृक्षासन हो गया,
अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे वृक्षासन, ठीक है, सॉरी ताड़ासन। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना है, एकदम से नहीं ले जाना है, आराम आराम से। कोई बात नहीं, बस व्यायाम करो, बैलेंस बनता जाएगा धीरे धीरे। दो से तीन बार करो, ज्यादा देर तक नहीं पा रहे हो। कर लिया सबने चार से पांच बार? Yes, ma'am. तीन बार हुआ है अभी। अभी ये तीसरी बार। पैरों को एक सीध में रखने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार और, ठीक है, कर लो। मैं गुरुदेव को देख रही हूँ, एकदम से आके बस एकदम से खड़े हो गए। आप करते हैं प्राणायाम, ठीक है, बैठ जाइए अपनी अपनी पोजीशन में। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल कौन कौन से प्राणायाम किए थे? तो फिर स्टार्ट करते हैं। इन दो उंगलियों से इधर वाली नाक कटनी है, ठीक है। ऐसे करके करो, ऐसे इधर से ये पकड़नी है और इन दो से ये पकड़नी है, ठीक है, नाक लेते टाइम और छोड़ते टाइम, ऐसे ऐसे ऐसे। आप गलत कर रहे हो, दो पकड़नी है ऐसे, ठीक है।
सांस थोड़ी लंबी लिया करो और फिर उसको धीरे धीरे इनहेल किया करो, इनहेल एक्सहेल धीरे धीरे। अच्छा ये नहीं लगाया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, भस्त्रिका, ठीक है। फेस एकदम सीधा रखा करो, सामने देखना है बिल्कुल स्ट्रेट और हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। मुंह बंद रखना है, नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। ब्रीथिंग सही से करो, एकदम से लेके एकदम से नहीं छोड़नी है।
हाथ ऐसे नहीं, हाथ एकदम खुले रखो ऐसे करके, ऐसे नहीं ऐसे, एकदम से फ्री होके करना है। फेस एकदम सामने रख के करना है। कर लिया? अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है, ठीक है? वो तो आप लोग करते होगे ना रोज। कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। ऐसे करके बैठना है। बैठ जाइए सब लोग, कोई बात नहीं, अपनी मैट पे ऐसे ही बैठ जाइए, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपका अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है उससे। और आप इतनी देर तक बैठे रहते हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी इससे। स्ट्रेट देखिए, अब पैरों को मोड़ना है, जो हमारे पंजे हैं ना उनको ऐसे ऐसे करके। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बता रही हूँ साथ साथ। एंड दोनों साइड से करना है, जब इधर साइड से कर ले रहे हो फिर दूसरी साइड से आपको करना है। ये आपके सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ना उनके लिए। जब राइट से लेफ्ट कर लो फिर बाद में लेफ्ट से राइट कर लेना। पैर को उठा के ऐसे रखना है। पहले तो आप लोग स्ट्रेट बैठा करो, ये जो बैकबोन है ना ये स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप लोग क्लासरूम में भी रहते हो ना तो ऐसे करके बैठते हो, स्ट्रेट रखने की कोशिश करो इसे। देख लो इसको ऐसे करके, ये पैर को ऐसे उठा के रखना है, ठीक है? अब इस वाले पैर को उठा के ऐसे रखना है। और आपको एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है, मैं बता रही हूँ कैसे बैठना है। इन दोनों यहाँ पे ऐसे करके बैठना है, ये पैर साइड में रहने चाहिए, ठीक है? ये हम वज्रासन में बैठ गए हैं, ठीक है? खाना खाने के डेली ऐसे ही बैठा करो बाद में, ठीक है? जो आप लोगों की गर्दन में दर्द हो रहा है ना ग्रीवा में, उसके लिए बताती हूँ क्या करना चाहिए। जब ज्यादा पढ़ते पढ़ते ऐसे करते रहते हो, सामने देखिए, इनहेल, पहले सांस लेनी है फिर राउंड करना है फिर धीरे धीरे सांस छोड़ देनी है, ठीक है? नेक के लिए करते ही नहीं रहना है, करते ही नहीं रहना है। सांस लेनी है फिर राउंड करना है फिर धीरे धीरे छोड़ देनी है, ठीक है? पहले लेफ्ट से राइट करना है, 2 से 3 बार लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट।
नहीं, लेके रखनी है, नीचे करना है, फिर ऐसे करके छोड़ देनी है, धीरे धीरे छोड़नी है, धीरे धीरे लेनी है। नींद आने लगी, डन। अब हैंड के लिए हाथों को सीधा करेंगे बैठे बैठे, बेंड करेंगे, अगेन ऐसा नहीं, आराम से करना है, एकदम खिंचाव लाके करना है, आप लोग को पता चलना चाहिए किया है। पता चल रहा है हाथों को खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेचेज आ रहे हैं। एक बार और करते हैं, बस मैम करने लगे तो दर्द होने लगे हाथ। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज When we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.